हमारे समस्त मूल निवासी महापुरुषों, संतों और सदियों से इस मूल निवासी समाज के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ने वाले जन नायकों को नमन करते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक माननीय बीएम कामले और समाज के विभिन्न समाज के सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, भाइयों, माताओं और बहनों, आज वामन मेश्राम साहब ने जो बहुजन क्रांति मोर्चा, ये संगठन नहीं है साथियों, एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है। वामन मेश्राम साहब ने जिस उद्देश्य से बहुजन क्रांति मोर्चा बनाया वो उद्देश्य यहाँ पूरा हुआ, क्योंकि हर विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ उपस्थित है। इसके लिए मैं राजगढ़ जिले के और विशेषकर पचोर और बोड़ा के साथियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका, वो लोग कहते हैं ना, कौन कहता आसमां में सुराख नहीं हो सकता, ये पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वास्तव में हमारे लोग सिर्फ हमारे महापुरुषों की जय जयकार करते हैं, सिर्फ हमारे महापुरुषों को मानते हैं, लेकिन ना तो महापुरुषों की मानते हैं, भक्त है, अनुयायी बहुत कम है, लेकिन यहाँ के लोग अनुयायी है, उसका आज ये जो परिणाम है, ये सभा मंडल में विभिन्न, जिसमें हमारी बहनें माताएं भी उपस्थित है। साथियों, ये जो संख्या दिख रही है, हमारे समाज में 50% महिला है और 50% पुरुष है। 50% महिलाओं को छोड़कर हम किसी भी तरह का आंदोलन सफल नहीं कर सकते हैं। महिलाएं ही ब्राह्मणवाद की सबसे ज्यादा ढोने वाली है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को ही, एक उदाहरण दूंगा मैं, उसको कोई भी अदरवाइज नहीं ले, कि महिलाएं सब तरह का बेटे को अच्छा पैदा हो, अच्छा पति मिले, अब उसकी उम्र बढ़े, सब कुछ हो, महिलाओं को ही ठेका दिया ब्राह्मणों ने, पुरुषों को कोई भी ठेका नहीं दिया। और उसको इतना, ब्राह्मणों के शास्त्रों के अनुसार उसको कोई आजादी नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को आजाद किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। साथियों, माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो बहुजन क्रांति मोर्चा गठन किया, इससे पहले मैं वामन मेश्राम साहब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो यहाँ आ रहे थे, आते यहाँ, लेकिन वामन मेश्राम साहब भारत के अलावा अन्य 40 देशों में भी उनका नेटवर्क है। कब, उनको कैसे, कौन सी परिस्थितियों में और विभिन्न तरह के केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो ईवीएम का केस भी मेश्राम साहब ने लड़ा और जीता। साथियों, वामन मेश्राम साहब लगभग 40-41 सालों से इस मूवमेंट के साथ जुड़ा, और इस मूवमेंट का मेन उद्देश्य था बामसेब का फुल फॉर्म है SC ST OBC, और इनसे धर्म परिवर्तित सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, लिंगायत, विभिन्न तरह के और भी पंथ वाले लोग हैं, वो सभी मूल निवासी लोग, यानी 85% लोग को जोड़ने के लिए बामसेब का गठन हुआ। और ये बामसेब का निर्माण क्यों हुआ 1977 में, जबकि 1950 से ही हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, जज और नेता, जितने रिजर्व सीट पे विधायक है, जितने रिजर्व सीट पे सांसद है, ये सब कुछ होने के बाद भी
हमारी समस्याओं का, हमारे अधिकारों को कोई सुरक्षा नहीं हो रही थी, धीरे धीरे हमारे अधिकार छीने जा रहे थे। इसके कारण ये भामसे कर्मचारी अधिकारियों का संगठन बना 1977 में, और उसके बाद भामसे मान्यवर वामन मेहसराम साहब ने अन्य 55 संगठन बनाए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, महिला, युवा, बेरोजगार, किसान, मुस्लिम मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, 55 संगठन, यानी समाज के प्रत्येक लोगों में नेतृत्व निर्माण करना, इसके पीछे प्रत्येक व्यक्ति में नेतृत्व निर्माण करना, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी समस्या के लिए लड़ने के लिए तैयार करना। मैं आदिवासी हूं, मैं सोचूं कि नहीं, ये दूसरे लोग मेरी लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे, मैं सिर्फ जय जयकार करूं, इनमें सम्मिलित हो जाऊं, संभव नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में कहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है, मैंने उनको हर जगह उनको अपना हिस्सा के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, नौकरी हो, पदोन्नति हो, राजनीति हो, वो हिस्सा मैंने आपको संविधान में दे दिया है, अब लेना आपकी जिम्मेदारी है। अगर ले सकते हो तो आपको अपना हिस्सा लेने के लिए आगे आना होगा। इसलिए वामन मेहसराम साहब ने समाज के सभी लोगों को एक उद्देश्य और एक विचारधारा में जोड़ने के लिए, भामसेफ के 55 बच्चे हैं, 55 बच्चे हैं, उन सबको उंगली पकड़ के चला रहे हैं। माँ है भामसेफ, इसके भामसेफ के 55 बच्चे, भामसेफ का नेटवर्क 31 राज्यों में, 550 जिलों में, 4,700 तहसीलों में, 3,00,000 गांव में, अन्य 40 देशों में और 3,800 जातियों में। इतना नेटवर्क और 40 साल का अनुभव, केडर बेस्ड कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता भी भामसेफ के कार्यकर्ता के सामने कहीं नहीं लगते। पर दुख है कि भामसेफ को दुश्मन जानता है, भामसेफ जिन लोगों के लिए बना वो नहीं जानते हैं, भामसेफ को दुश्मन जानता है 15%, लेकिन जिनके लिए भामसेफ बना और आज इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, इतनी बड़ी शक्ति का निर्माण किया, वो वर्ग नहीं जानता है। इतना सब कुछ भामसेफ के पास होने के बाद भी हम इस व्यवस्था को, इस जो वर्तमान में देश में परिस्थितियां निर्मित हुई, उनसे लड़ने भिड़ने के लिए हम लायक नहीं है या सक्षम नहीं है। इसलिए वामन मेहसराम साहब ने इस बहुजन क्रांति मोर्चा का प्लेटफॉर्म तैयार किया। बहुजन क्रांति मोर्चा क्या है कि बहुजन क्रांति मोर्चा, हम भामसेफ के लोग, केडर बेस्ड लोग, जो समाज के लिए दिन रात काम करने वाले लोग, हजारों लोग इसमें फुल टाइमर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं प्रिंसिपल था, मैं आगर मालवा जिले में नलखाड़ा तहसील गांव टिकोन का रहने वाला हूं, यहां बहुत सारे लोग मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं और है। मैं प्रिंसिपल था, मैंने 1 अप्रैल 2018 को नौकरी छोड़ दी है, सिर्फ क्योंकि मुझे वामन मेहसराम साहब ने कहे, रेखवाल अगर स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग देख नहीं सकते, और हमारे लोग अधिकांश स्वर्ग देखना तो चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। कीमत चुकाए बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। ये महापुरुषों के फोटो देख रहे हैं, ये बुद्ध से लगा करके अभी तक जो लड़ते आ रहे हैं लोग, मतलब इस मूल निवासी समाज की लड़ाई, कभी भी इन्होंने ब्राह्मणों से समझौता नहीं किया, न ब्राह्मणों से इन्होंने ब्राह्मणों की गुलामी स्वीकार की। सदियों से, आज से 2600 साल
से अभी तक कंटिन्यू हमारे महापुरुष लड़ते आ रहे हैं, कंटिन्यू लड़ते आ रहे हैं। कभी बुद्ध लड़े, पेरियार लड़े, कबीर, रविदास और विभिन्न संत महापुरुष जिनका नाम लेंगे तो सिर्फ वो मूल निवासी महापुरुष। और आज वर्तमान में साथियों, जिस तरह की देश में परिस्थितियां निर्मित हुई है, किसी समय हमारे बहुत सारे समाज के सिर्फ मंच पे बोलते थे, नेता बोलते थे, ऐसे लोग बोलते थे कि संविधान को कोई हाथ लगा करके देखे हाथ काट देंगे, जला दिया। किसके, कितने लोगों के हाथ काटे? 13 लोगों ने संविधान जलाया। बकवास करने से या सिर्फ जय जयकार करने से या सिर्फ बातें करने से या सिर्फ नारे लगाने से पेट नहीं भरता, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती। महापुरुषों ने जिंदगी की लगाई तब जाकर के हम इनको पूज रहे हैं। ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इन्होंने उन सदियों से शोषित, पीड़ित, अधिकार वंचित, यहाँ तक कहे कि जिनको बोलने की भी आज़ादी नहीं थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी, जानवर से भी बदतर स्थिति थी, उन लोगों को 1950 में ब्राह्मणों के द्वारा सदियों से अधिकार वंचित, शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र और ऊंच नीच, छुआछूत, गैर बराबरी, इन सब व्यवस्थाओं से मुक्त करके बाबा साहब अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को हम लोगों को वो अधिकार संपन्न बना दिया। लेकिन उस समाज के पढ़े लिखे लोग आज भी अपने स्वयं के अधिकार बचाने के लिए सफल नहीं है। आज कर्मचारी अधिकारियों के विभिन्न संगठन हैं, उसके बाद भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन उनके रहते हुए उनका अधिकार छीन लिया, बाकी समाज के दूसरे लोगों को क्या औकात है। उसके बाद भी हम लोग, ये तो अभी चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, इसलिए जजमेंट वो और उसको वो टाल रहे हैं। क्या जजमेंट होगा हमको जानकारी है। तो साथियों, ये वर्तमान में आदिवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने विशेषाधिकार दिए 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के अनुसार, लेकिन आदिवासियों को आज 216 जिलों में नक्सलवाद घोषित करके, नक्सलवादी घोषित करके बड़े पैमाने पर आदिवासियों को मारा जा रहा है, मुस्लिमों को मारा जा रहा, दलितों को मॉब लंचिंग के माध्यम से मारा जा रहा। आज मराठा, गुजर, गुजरात के पटेल, मतलब एससी एसटी ओबीसी सभी लोग की पिटाई हो रही है और विभिन्न संगठनों में बटे। पहले हमारे समाज को 6,743 जातियों में बांटा था, अब 6,743 जातियों के 1,00,000 संगठन भारत में कार्यरत है और सब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद भी हम किसी भी समस्या का समाधान करने के लायक नहीं हैं, इसलिए अब समय आ गया कि वामन मेश्राम साहब इतने सब कुछ होने के बाद भी वो इतने सक्षम नहीं है, तो इन पूरे अलग अलग संगठनों को इकट्ठा किया जाए और इन संगठनों को जो समस्या है हमारे एजेंडे में डाला जाए, हम उनका नेतृत्व करेंगे। आप तो सिर्फ आइए, अपना झंडा, अपना डंडा, अपना बैनर, अपनी पहचान बनाते हुए इसमें विलीन होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शरीक हो जाइए। जो आज यहाँ विभिन्न संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ सम्मिलित हो रहे हैं, ना कि विलीन हो रहे हैं। तो ये मकसद वामन मेश्राम साहब का सफल हो गया। महाराष्ट्र में बहुजन क्रांति मोर्चा में 550 संगठन थे, कम से कम यहाँ 25 संगठन दिख रहे हैं मुझे, तो हम उस दिशा में मध्य प्रदेश लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, हमको अपना झंडा, डंडा, बैनर, अपनी पहचान बनाए रखे और इसमें विलीन होने की आवश्यकता है। और अगर यदि अभी भी हम नहीं समझे, बाबा साहब अम्बेडकर के रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को लोग पहचान नहीं पाए, मरने के बाद उनको पहचाना, कांशीराम साहब के जिंदा रहते हुए लोग पहचान नहीं पाए, मरने के बाद वो समझा, ऐसी गलती हम वामन मेश्राम साहब को पहचानने में ना करें, नहीं तो हजारों पीढ़ियां तबाह और बर्बाद हो जाएगी। साथियों, समय कम है, माननीय वीरेंद्र कामले साहब भी
आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय बिरसा मुंडा, जय तंगिया मामा।